हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू शानू कटन सी क्लासेस इन दिस वीडियो वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज एन रिलेशनशिप मॉडल इन शॉर्ट ईआर मॉडल सो एन रिलेशनशिप मॉडल वाज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर चेन इन 1976 एंड ईआर मॉडल डिफाइन करता है कंसेपचुअल व्यू को डेटा के और हम कह सकते हैं लॉजिकल व्यू को डिफाइन करता है जिसके थ्रू हम की डिजाइनिंग करते हैं हम कोई भी जब डेटा बेस क्रिएट करते हैं तो उसका डिज़ाइन पहले क्रिएट करते हैं देन उस डिज़ाइन के बेसिस में उस डेटा बेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है लेटर जैसे कि अगर हम कोई भी अपना घर बनाते हैं होम बनाते हैं देन डायरेक्टली हम उसे नहीं कंस्ट्रक्ट करते हैं हम पहले उसका एक आर्किटेक्चर बनाते हैं एक उसका डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उस डिज़ाइन को देख के हमें समझ में आता है कि हमारा घर कैसा दिखने वाला है देन लेटर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है सो so, जो ई ER मॉडल है ये किस पे वर्क करता है इट वर्क्स अराउंड द रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप्स अमंग दैम तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं वो उसे फाइंड करता है और उनमें आपस में एसोसिएशंस निकालता है जिसके थ्रू रिलेशनशिप्स शो होते हैं सो ईआर डायग्राम के थ्रू हम ईयर ER मॉडल को शो करते हैं मीन्स अगर हमें ईयर ER मॉडल के थ्रू डेटाबेस कीमा कंस्ट्रक्ट करना है तो हम डेटाबेस कीमा को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ई आर डायग्राम्स के थ्रू से रिप्रेजेंट करेंगे और लेटर इस ई आर डायग्राम को हम मैप कर देंगे रिलेशनल स्कीमा में मीन्स टेबल्स के फॉर्म में जिसे हमें ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन सी एंटिटी किसके साथ रिलेटेड है लाइक like, अगर एक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है वो किस तरीके से एसोसिएट है तो ये एम्प्लॉय एक एंटिटी हो गया एंड डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी हो गया और एम्प्लॉय वर्क करता है डिपार्टमेंट के लिए तो वर्क उसका रिलेशनशिप हो गया सो so नाउ अब आते हैं वाई ई आर मॉडल इज़ यूज़फुल क्यों यूज़फुल है सबसे पहला पॉइंट जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि ई आर मॉडल मैप्स वेल टू द रिलेशनल मॉडल मीन्स जो इसमें कंस्ट्रक्ट्स यूज होते हैं ई आर मॉडल में लाइक like एंटिटीज़ हो गया रिलेशनशिप हो गया एट्रीब्यूट्स होगा हो गया ये ईजिली हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टेबल्स के फॉर्म में जिसे हम रिलेशनल टेबल्स कहते हैं सेकेंड इज़ कि ईयर मॉडल डिज़ाइनर यूज़ करते हैं कौन से डिज़नर डेटा बेस डिज़ाइनर यूज़ करते हैं जनरली जो भी डेटा बेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़र ने हमें अप्रोच किया है उन यूज़र्स को हमें कैसा होएगा कैसा होगा डेटा बेस ये समझाने के लिए हम इस ई आर मॉडल का यूज़ करते हैं जो एक डायग्राम के फॉर्म में होता है और ईज़िली सामने वाले क्लाइंट को या सामने वाले यूज़र को समझ में आ जाता है सो so, डेटा बेस डिज़ाइनर इसका यूज़ करते हैं यूज़र से कम्युनिकेट करने के लिए थर्ड पॉइंट ई आर मॉडल को हम यूज़ करते हैं एज अ डिज़ाइन प्लान ठीक है बाई द डेटा बेस्ड डेवलपर्स तो डेटा बेस डेवलपर्स ये एक डिज़ाइन प्लान की तरह यूज़ करते हैं और इस डिज़ाइन प्लान को देख के वो उसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है इस डेटा मॉडल को स्पेसिफिकली किसी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में लाइक और एककल में या एस क्यू एल में सो so अगर हमारे पास एक डिज़ाइन होगा उस डिज़ाइन को हम ईजीली देख के इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो दी तो so, ये थ्री पॉइंट्स हमें बताते हैं कि ई आर मॉडल क्यों इतना यूजफुल है नाउ स्टार्टिंग विद द ई आर मॉडलिंग कंस्ट्रक्ट्स तो ई आर मॉडलिंग में बेसिकली तीन कंस्ट्रक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एंटिटीज एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स सो एंटिटीज से स्टार्ट करते हैं वट इज़ दिस एंटिटी एंटिटी हम किसी भी थिंक को बोलते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी रियल वर्ल्ड में एनी थिंग और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंटिटी विच कैन बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स अगर हम एक एंटिटी को दूसरे से अलग से डिटेक्ट कर सकते हैं अलग से डिस्टिंगश कर सकते हैं देन दैट इज़ अ एंटिटी लाइक पर्सन एक एंटिटी है लाइक आई एम अ एंटिटी यू आर एन एंटिटी सो एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है अब जरूरी नहीं है वो लिविंग थिंग ही हो ठीक है लाइक कंपनी कैन भी एन एंटिटी जॉब कैन भी आइएंटिटी डिपार्टमेंट कैन भी आइएंटिटी किसी भी स्टूडेंट का कोर्स वो भी एंटिटी हो सकता है सो एंटिटी कैन बी एनी थिंग दैट हैज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड अबाउट विच वी कलेक्ट डेटा सो एंटिटीज़ को हम समटाइम्स एंटिटी टाइप भी कहते हैं लाइक like, स्टूडेंट एक एंटिटी होता है और अगर स्टूडेंट की कैटेगरी को हम बोल देंगे स्टूडेंट एंटिटी टाइप सो so, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम एक स्कूल डेटा को लेते हैं तो स्कूल डेटा में वी विल सी कि स्टूडेंट्स होते हैं टीचर्स होते हैं क्लासेज होते हैं तो ये सब क्या है ये सब एंटिटीज़ हैं जिसे हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो स्टूडेंट्स टीचर्स क्लासेस एंड वो जो कोर्सेज लेते हैं एंड उनके कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ये सारे हम एज एन एंटिटी ले सकते हैं एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं रैक्टेंगल है. like student, teacher, courses, हम रैक्टेंगल के फॉर्म में लाइक स्टूडेंट टीचर कोर्सेज ये एंटिटी हो गए ऐसे हम रैक्टेंगल बॉक्स के अंदर शो करते हैं ई आर ER डाइग्राम में नौ ये एंटिटीज़ को हम कैसे एक दूसरे से आइडेंटिफाई करते हैं लाइक like, अगर एक स्टूडेंट है राम और दूसरा स्टूडेंट है श्याम तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हर एंटिटी का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है और वी कैन से उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है लाइक like, स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है उनका नेम होता है उनका एड्रेस होता है जिसके थ्रू तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट

कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज दैट शेयर सेम एट्रीब्यूट्स ओके लाइक स्टूडेंट्स मे कंटेन ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल टीचर्स का सेट कलेक्शन ऑफ टीचर्स रख सकता है सारे स्कूल्स का सो एंटिटी सेट क्या होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज दैट शेयर सेम एट्रीब्यूट्स ना एंटिटी सेट्स नीड नाट बी डिसंट ठीक है इसे डिसज्वाइंट हो कोई जरूरी नहीं है लाइक like, अगर कोई एंटिटी सेट है एम्प्लॉय एम्प्लॉय में सारे एम्प्लॉयज़ हैं बैंक के एंड दूसरा एंटिटी सेट है कस्टमर तो इस कस्टमर एंटिटी सेट में सारे कस्टमर्स हो गए बैंक के सो so, ऐसा भी हो सकता है कि जो उस बैंक का कस्टमर है वो उस बैंक का एम्प्लॉय भी है और जो उस बैंक का एम्प्लॉय है वही उसका कस्टमर भी है तो अगर कोई मैनेजर है स्टेट बैंक का तो उसका वहाँ पे अकाउंट भी हो सकता है तो वो एज अ एम्प्लॉय भी हो सकता है एज अ कस्टमर भी हो सकता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों डिसजॉइंट हो मीन्स दोनों में कॉमन मेम्बर्स हो सकते हैं नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स तो एट्रीब्यूट्स क्या है हर एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स से और एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी लाइक like स्टूडेंट की अगर हम बात करें एक स्टूडेंट एंटिटी की तो स्टूडेंट एंटिटी में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं लाइक like उसका रोल नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ एज एड्रेस मोबाइल नंबर ये इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं ओके सो एट्रीब्यूट सिंपली डिस्क्राइब करते हैं किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टी को ना हर एट्रीब्यूट्स में कुछ परमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जिसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट और रेंज ऑफ द एट्रीब्यूट लाइक स्टूडेंट्स नेम अगर हम एट्रीब्यूट लेते हैं तो स्टूडेंट्स नेम में हम क्या रख सकते हैं हम उसमें स्ट्रिंग्स रख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स रख सकते हैं बट हम उसमें न्यूमरिक वैल्यू नहीं रख सकते सो so, उसका डोमेन क्या है उसका डोमेन अल्फ़ाबेट्स में आ जाएगा स्ट्रिंग्स में आ जाएगा बट न्यूमरिक नहीं आएगा एज में हम नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं रख सकते हमें न्यूमरिक नंबर्स रखने हैं बट नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं वैसे ही स्टूडेंट नंबर में स्टूडेंट रोल नंबर भी हमेशा न्यूमरिक ही रहेगा ठीक है या कहीं पर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं बट उसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है सपोज स्टूडेंट रोल नंबर हमने एक रेंज लग दिया कि जीरो से लेके टेन थाउजेंड तक होना चाहिए सो so, ये हो गया एक डोमेन उसका और हर एट्रीब्यूट का कुछ ना कुछ डोमेन ऑफ रेंज होता है उसमें से ही कोई वैल्यू उसकी होनी चाहिए एट्रीब्यूट्स को हम एलिप्स से शो करते हैं नो फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया एन टाइप स्टूडेंट इस स्टूडेंट एंटिटी टाइप के एट्रीब्यूट्स को हम शो कर रहे हैं एलिप्स के थ्रू लाइक स्टूडेंट एंटिटी है और उसका एट्रीब्यूट हो गया रोल नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ एड्रेस ठीक है यहाँ पे हम इसका स्कीमा अगर शो करें ठीक है स्कीमा बोल रहे हैं या एंटिटी टाइप तो इसका स्कीमा कैसा होगा स्टूडेंट ये आपका टेबल नेम हो गया और एंटिटी नेम हो गया और ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए जिसे हम रिलेशनल टेबल uh, में कॉलम से शो करते हैं रोल नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस और पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसमें अलग अलग एंटिटी के इंस्टेंसेज होंगे लाइक एंटिटी टी वन एक हो गया रोल नंबर जिसका वन जीरो वन है राहुल शर्मा एंड ये डेट ऑफ बर्थ और ये उसका एड्रेस वैसे ही सेकेंड एंटिटी हमने एक ले लिया वन जीरो टू रोल नंबर है सीमा सिंह सो so, ये सबको मिला के कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ को हम बोलते हैं एंटिटी सेट और ये स्कीमा को हम बोलते हैं एंटिटी टाइप नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एट्रीब्यूट्स टाइप नाउ एट्रीब्यूट्स टाइप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका हम एक अलग से वीडियो भी देखेंगे एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट सिंपल एट्रीब्यूट्स मीन्स जो एटॉमिक वैल्यूज रहती हैं उसे हम सिंपल एट्रीब्यूट्स की कैटेगरी में रखते हैं मीन्स जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते सब पार्ट्स में जिसमें एक एटॉमिक वैल्यू होती है लाइक डेट ऑफ बर्थ जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते कंपोजिट एट्रीब्यूट्स मीनस ऐसे एट्रीब्यूट जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं सब पार्ट्स में लाइक like नेम अगर एक एट्रीब्यूट है तो हम फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम हम डिवाइड कर सकते हैं सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स सिंगल वैल्यूड मीन्स इस एट्रीब्यूट में हम एक सिंगल वैल्यू ही रख सकते हैं लाइक रोल नंबर हर का एक ही हो सकता है ओके okay? आधार कार्ड का नंबर एक ही हो सकता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आ जाए वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है लाइक फोन नंबर एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स भी हो सकते हैं एक पर्सन के पास ई मेल एड्रेस एक से ज़्यादा ई मेल एड्रेस भी हो सकते हैं ओके नाउ लास्ट इज स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स जिसे हम स्टोर कर करके रखते हैं डेटा बेस में दैट इज स्टोर्ड एट्रीब्यूट डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स जिसे हम स्टोर नहीं करते हैं ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट से डिराइव होती है लाइक एज एज हम जनरली एंटर नहीं करते हैं हम डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू एज फिर डिराइव होती है तो एज क्या हो गई है डिराइव एट्रीब्यूट्स सो इसे डिटेल में हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट आते हैं रिलेशनशिप्स में ना रिलेशनशिप्स क्या है इट इज एन एसोसिएशन अमंग एंटिटीज एंटिटीज के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप जैसे अगर हम ले एम्प्लॉय एंटिटी और एक डिपार्टमेंट एंटिटी तो एम्प्लॉय वर्क करता है डिपार्टमेंट में तो एम्प्लॉय वर्क एट डिपार्टमेंट तो वर्क सेट क्या हो गया रिलेशनशिप हो गया वैसे ही स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स तो स्टूडेंट एक एंटिटी है कोर्स एक एंटिटी है और स्टूडेंट एनरोल हुआ है कोर्स में तो एनरोलमेंट के थ्रू ये रिलेटेड है तो एनरोल्स क्या है रिलेशनशिप हो गया सो so, यहाँ पे वर्क सेट एंड एनरोल्स रिलेशनशिप हो गया जो कि दोनों के बीच में एसोसिएशन शो कर रहा है तो रिलेशनशिप को हम डायमंड शिफ्ट बॉक्स से शो करते हैं नाउ ये या ER डायग्राम इसका एग्जाम्पल लेते हैं लाइक एम्प्लॉई एंटिटी हो गया रेक्टेंगल में डिपार्टमेंट एंटिटी हो गया रेक्टेंगल बॉक्स में एंड ये दोनों वर्क एट रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड है और वैसे ही स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्सेस नेक्स्ट रिलेशनशिप सेट एंटिटी सेट की जैसे ही रिलेशनशिप सेट भी होता है ठीक है रिलेशनशिप सेट में क्या होता है सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं तो अ सेट ऑफ सिमिलर टाइप इज कॉल्ड रिलेशनशिप सेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एनरोल uh, ये बीच में एक दिख रहा है एनरोल्ड इन एक रिलेशनशिप सेट है जिसमें ई वन ई टू ई थ्री ये तीन दिख रहे हैं उसके इंस्टेंसेस सो so, अगर ये एंटिटी सेट है स्टूडेंट का और ये एंटिटी सेट है कोर्स का तो इसे हम सपोज़ तीन इसमें इंस्टेंस ले रहे हैं एस वन एस टू एस थ्री और कोर्सेज में सी वन सी टू सी थ्री सपोज स्टूडेंट वन एनरोल्ड है सी टू में ठीक है मीन्स स्टूडेंट वन एनरोल्ड है सी टू कोर्स में स्टूडेंट टू एनरोल्ड है C1 वन कोर्स में स्टूडेंट थ्री एनरोल्ड है C3 थ्री कोर्स में तो ये एक रिलेशनशिप हो गया ये एक रिलेशनशिप हो गया ये एक रिलेशनशिप हो गया तो ये E1, E2, E3 ये क्या हो गया सिमिलर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं एनरोल्ड इन तो हमने इसे एक सेट में रखा है दैट इज एनरोल्ड इन रिलेशनशिप सेट ना रिलेशनशिप सेट में समाइम्स एट्रीब्यूट्स भी होते हैं ठीक है उस एट्रीब्यूट को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट तो एंटिटीज़ के जैसे ही रिलेशनशिप्स में भी कई बार एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट अगर एग्जाम्पल कलिए सपोज ये कस्टमर का सेट है जिसमें हमने कस्टमर नेम एट्रीब्यूट लिया है और ये अकाउंट का सेट है जिसमें अकाउंट नंबर एट्रीब्यूट है ये दोनों एक दूसरे से डिपॉजिटर रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड है मीन्स कस्टमर का अगर अकाउंट है किसी बैंक में मीन्स वो क्या हो गया डिपॉजिटर हो गया तो डिपॉजिटर रिलेशनशिप हो गया और डिपॉजिटर का एक सपोज एट्रीब्यूट है एक्सेस डेट मींस ये जॉनसन इस डेट को एक्सेस कर रहा है अपने अकाउंट को और सत्रह जून को भी एक्सेस कर रहा है चौबीस मई को भी एक्सेस कर रहा है तो डिपॉजिटर अगर है तो डिपॉजिटर का हमने एट्रीब्यूट डाल दिया एक्सेस डेट मीन्स वो किस किस डेट पर उसे एक्सेस कर रहा है तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि एंटिटीज़ की जैसे रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नेक्स्ट नाउ डिग्री ऑफ़ रिलेशनशिप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितने नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ पार्टिसिपेट करते रिलेशनशिप में उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ़ रिलेशनशिप अगर एक एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहा है तो यूनरी कहते हैं दो एंटिटी पार्टिसिपेट करते हैं तो बानरी तीन एंटिटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं तो टर्नरी ऐसे ही एन नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ के लिए हम एन अरे शो करते हैं नौ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में हम उसके टाइप्स को देख लेते हैं लाइक यूनरी रिलेशनशिप अगर होता है तो हम कहते हैं उसकी डिग्री क्या है वन है बिकॉज यूनरी रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है रिलेशनशिप में ओके फॉर एग्जाम्पल अब वन वन पर्सन इज मैरिड टू वन पर्सन एक पर्सन मैरिड करता है एक ही पर्सन से सो so ये एक यूनरी रिलेशनशिप हो गया बैनर रिलेशनशिप जिसे हम डिग्री टू कहते हैं बैनर रिलेशनशिप में सपोज दो एंटिटीज है स्टूडेंट एंटिटी और कोर्स एंटिटी ये दोनों एनरोल्ड इन रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड हैं तो दिस इज़ बन रिलेशनशिप वेन टू एंटिटीज पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप एंड ये वाला रिलेशनशिप बहुत ही कॉमन होता है या डायग्राम्स में थर्ड वन थर्ड है टर्नरी रिलेशनशिप जिसमें थ्री एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं एक रिलेशनशिप में लाइक यहाँ कोर्स सब्जेक्ट एंड टीचर मीन्स यूनिवर्सिटी माइंड नीड अ रिकॉर्ड विच टीचर्स थाट विथ सब्जेक्ट्स इन अ कोर्सेस तो यूनिवर्सिटी को अगर ये रिकॉर्ड रखना है कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट किस कोर्स में पढ़ाता है लाइक like, सपोज़ कोई टीचर है मैं एक टीचर हूँ मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रही हूँ तो मैं किस कोर्स में पढ़ा रही हूँ कंप्यूटर साइंस में पढ़ा रही हूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा रही हूँ ठीक है तो इसे शो करने के लिए हमें टर्न रिलेशनशिप का यूज़ करना पड़ता है लास्ट में हम एक अलग से एन रिलेशनशिप भी शो कर सकते हैं जिसमें हम कहते हैं डिग्री एन तो एन एंटिटीज़ अगर पार्टिसिपेट करती हैं रिलेशनशिप में देन दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एन अरे रिलेशनशिप सो दिस इज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैपिंग कार्डिनेलिटीज इसका भी हम अलग से वीडियो में देखेंगे डिटेल में बिकॉज ये एग्जाम्स में पूछता है जो इवन गेट में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं रिलेशनशिप बेस्ड आपको ई ER आर दे दिया रहता है और ई आर डायग्राम देख के आपको उससे जो भी क्वेश्चंस दिया रहता है उसे सॉल्व करना रहता है सो मैपिंग कार्डिनलिटीज़ में वन टू वन वन टू मैनी मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स होते हैं ये दो एंटिटीज़ या मल्टीपल एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं कि दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है इसके लिए हम अलग से डिटेल वीडियो में इसे समझेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर लें और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल जरूर प्रेस कर